हेलो फ्रेंड्स, आओ हिंदी सीखें चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं हिंदी व्याकरण के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आई हूँ। टॉपिक है शब्द विचार। शब्द क्या है और शब्द विचार का मतलब क्या होता है? शब्द, सबसे पहले हम देखते हैं कि शब्द क्या है। शब्द भाषा की सबसे छोटी इकाई है। शब्दों से ही वाक्य बनते हैं और वाक्य के द्वारा हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं। तो इस प्रकार शब्द जो हैं, शब्दों का निर्माण कैसे होता है ये हम देखते हैं। यहाँ मैंने दो शब्द लिखा है, पानी और कमल। तो पानी शब्द के चार खंड हैं। इसमें व्यंजन और स्वर मिला हुआ है। तो यहाँ पे व्यंजन है, स्वर है। तो यहाँ पे पानी में प जोड़ आ इसका व्यंजन स्वर है, ना का स्वर है दीर्घई। तो इस प्रकार ये और ये इधर इस लाइन में ये आ की मात्रा है या दीर्घई की मात्रा है। इस प्रकार पानी शब्द के चार रूप में प जोड़ आ जोड़ ना जोड़ दीर्घई। तो इस प्रकार पानी शब्द के चार टुकड़े थे और ये जो प जोड़ आ जोड़ ना जोड़ दीर्घई, जब हम इसको हम मिलाते हैं तो पानी शब्द बनता है। यह वर्णों के मेल से बने हैं जो कि सार्थक शब्द का निर्माण करते हैं। यहाँ तो मात्राओं, ये पानी शब्द में मात्रा वाले शब्द है, लेकिन यहाँ हम देखते हैं तो दूसरा शब्द है कमल, इसमें मात्राएं नहीं है। लेकिन हम जानते हैं कि व्यंजन वर्ण में मात्राएं, व्यंजन वर्ण में स्वर छिपे होते हैं। तो इस प्रकार कमल शब्द के तीन खंड होते हैं, क म ल, और इसमें क्रमशः व्यंजन छिपे, स्वर छिपे हुए हैं। क में अ छुपा हुआ है, म में अ छुपा हुआ है, ल में अ छुपा हुआ है। इस प्रकार प जोड़ अ जोड़ म जोड़ अ जोड़ ल जोड़ अ कमल हो गया है। ये कमल शब्द भी सार्थक है क्योंकि जब हम इन शब्दों का उच्चारण करते हैं, यहाँ पानी करते हैं, तो पानी से हमारा तात्पर्य एक ऐसा तरल चीज हमारे दिमाग में, मस्तिष्क में उभरता है, जिसका कि हम पीने के रूप में और कई प्रकार के कामों में हम इसका प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार दूसरा शब्द है कमल। कमल शब्द कहने से हमारे मस्तिष्क में, कल्पना में उभरता है कि यह एक फूल है और इस तरह यह भी एक सार्थक शब्द है। तो जिस शब्द वर्णों का ऐसा मेल जिसको सुनने के बाद हमारी कल्पना में उसकी सोच उभरती हो, उसका एक दृश्य उभरता हो, तो वह सार्थक शब्द होता है। तो यहाँ पे हम परिभाषा में हम कह सकते हैं कि वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। सार्थक अर्थात अर्थात जिसका वर्णों का ऐसा मेल जो कि कोई सार्थक शब्द, जिसका कि कोई सही अर्थ निकलता हो, जिसका कोई अर्थ निकलता हो, जिसको उच्चारण करने पर हम उसका मतलब को समझे, तो यह हो गया सार्थक शब्द। तो यहाँ पे परिभाषा है, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। तो इस प्रकार ऐसे शब्द जिसमें वर्ण मिले हुए हो और वे सभी मिलने के बाद एक सही शब्द, सार्थक शब्द का निर्माण करते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को शब्द कहते हैं। भाषा की अर्थात सबसे छोटी इकाई शब्द है और कई शब्द मिलकर वाक्य का निर्माण करते हैं। उसके बाद कई वाक्य मिलकर गद्य पद्य सारी सभी की रचनाएं होती हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द है और शब्द की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, जो कि हम अगले वीडियो में मैंने इसे पढ़ाया है। तो ये वर्ण से ही शब्द बनते हैं, शब्द से वाक्य बनते हैं और वाक्य से सारी पुस्तकें लिखी जाती हैं। तो इस प्रकार शब्द जो है हमारी भाषा को प्रकट करने का भाषा को प्रकट करने का आधार है। शब्दों के द्वारा ही हम अपने अपनी बातों को, शब्दों को वाक्य में पिरोकर हम अपनी बातों को बोलते हैं और इसके द्वारा, शब्दों के द्वारा ही हम दूसरे की बातों को भी समझते हैं। शब्दों के द्वारा वाक्य बनते हैं और इन्हीं वाक्यों के द्वारा हम एक दूसरे की बात को समझते हैं और
इनका लिखित रूप जो पुस्तकों में होता है उसके द्वारा हम पढ़ते हैं, लिखते हैं और समझते हैं। तो इस प्रकार ये शब्द तो शब्द के, लेकिन शब्द विचार, विचार शब्द को जोड़ा गया है। यहाँ विचार शब्द इसलिए जोड़ा गया है कि जितने भी हिंदी भाषा में या संस्कृत भाषा में या कोई भी अन्य भाषा में प्रचलित जो शब्द होते हैं उनका क्या महत्व है, वे कैसे उत्पन्न हुए, किस आधार पर उनके प्रकार को बांटा जाता है, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, उनको मान्य, उनकी मान्यता, शब्दों की मान्यता किस प्रकार से मिली, इन सभी के बारे में शब्दों के विचार में हम पढ़ेंगे। और शब्द विचार में क्या बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो जिनका कि हम शब्दों के प्रकार में हम खंड खंड करके पढ़ेंगे। तो शब्दों, शब्द विचार में हम शब्दों की, शब्दों को सही रूप से समझेंगे, उसे लिखना सीखेंगे, उसे बोलना सीखेंगे और उसकी शुद्धता अशुद्धता का हमें ज्ञान होगा। शब्द विचार के द्वारा हम नए नए शब्दों को सीखेंगे और इस तरह हमारी हिंदी शब्द विचार की शुद्धता को जब हम जानेंगे तो हमारी हिंदी बहुत ही सरल और शुद्ध होगी। तो इस प्रकार आज के लिए बस शब्द क्या है ये हो गया। आगे हम शब्द विचार में शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, किस आधार पे वे अपनी अपने अस्तित्व में आए, उनका क्या कितने प्रकार हैं और प्रकार में हम लोग कई प्रकार के शब्दों को देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें ताकि मुझे अगले वीडियो बनाने में प्रोत्साहित मैं हो सकूं। धन्यवाद।